मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी पहले भी बताते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। विवाह के पूर्व जन्म पत्रिका मिलाए जाने की परंपरा हमारे भारत में और हमारे समाज में सदियों से प्रचलित है। शायद हजारों साल पूर्व से ये परंपरा का पालन हमारे समाज के द्वारा किया जाता है। वर और वधु की जन्म पत्रिका मिलाई जाती है और उसके उपरांत ही विवाह विषय का निर्णय लिया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से और अपने रिसर्च के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बतलाना चाहूंगा कि विवाह के पूर्व जन्म पत्रिका मिलाए जाने का जो विधान है वो आज के समय में प्रासंगिक उतना ज्यादा नहीं रहा। जैसे पहले जो जन्म पत्रिकाएं मिलाई जाती थी उनमें गुण मिलान को प्राथमिकता दी गई थी। ज्यादा गुण मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में गुण मिलान की प्रथा उतनी प्रासंगिक अब नहीं रही। ऐसा रिसर्च के दरमियान मैंने देखा कि 10 गुण 11 गुण वालों का भी वैवाहिक जीवन सुखमय प्रतीत होता है। वहीं 32 गुण मिलने वाले या 36 गुण मिलने वाले लोगों का वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता है। कुछ समाज में गण मिलान की परंपरा भी प्रचलित है। जैसे देवगण, मनुष्य गण या राक्षस गण, इन तीन गण के आधार पर हम विवाह से संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं। ये भी उचित नहीं है। गण मिलान के आधार पर आप किसी भी लड़के अथवा लड़की के वैवाहिक जीवन के संदर्भ में अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ लोगों के द्वारा केवल ग्रह मैत्री पर विचार किया जाता है और ग्रह मैत्री के कारण बहुत सारी अच्छी जन्म पत्रिकाओं को वो खारिज कर देते हैं या ऐसे लड़के लड़कियों के रिश्तों को वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये भी गलत है। कुछ लोगों के द्वारा भकुट मिलान यानी राशि का मिलान करके केवल राशि के मिलान के आधार पर विवाह से संबंधित निर्णय लिया जाता है। ये भी उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, हम गुण मिलाएं या भकुट मिलाएं या ग्रह मैत्री मिलाएं या गण मिलाएं, लेकिन इनके आधार पर विवाह से संबंधित किसी भी निर्णय पर जाकर के किसी भी लड़के अथवा लड़की के प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट करना या खारिज करना उचित नहीं होता है। कुछ लोगों के द्वारा केवल नाड़ी दोष के आधार पर विवाह या वैवाहिक संबंधों का निर्णय लिया जाता है। नाड़ी भी तीन है, आध नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। केवल नाड़ी के आधार पर भी हम किसी प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दें, ये भी उचित नहीं है। मैं अपने रिसर्च के उपरांत दर्शकों को ये बतलाना चाहूंगा कि एक बहुत पुरानी परंपरा हमारे समाज में गोत्र को लेकर भी प्रचलित है। समगोत्रीय विवाह को निषिद्ध माना जाता है और एक ही गोत्र में शादियां नहीं की जाती हैं। आज के इस युग में ये अवधारणा भी प्रासंगिक प्रतीत नहीं होती है।
गोत्र शब्द संस्कृत से लिया हुआ शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गायों का बाड़ा। वैदिक काल में जब हमारी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी उस समय एक ही स्थान पर जब लोग अपने अपने पशुओं को बांधा करते थे तो वो गायों का बाड़ा कहलाता था। उस गाय के बाड़े के सभी सदस्य एक ही गोत्र के माने जाते थे। चूंकि वहां पर रहने वाले लोगों के अविवाहित युवक और युवतियों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई संबंध निर्मित ना हो सके, इसलिए हमारे वैदिक काल के लोगों ने यह नियम बनाया कि एक ही गाय के बाड़े के लोग एक ही गोत्र के कहलाएंगे। अंग्रेजी भाषा में इसे क्लान कहा जाता है, यानी एक गाय के बाड़े के सदस्य एक ही गोत्र के कहलाएंगे और वहां पे किसी भी प्रकार का संबंध उन युवक युवतियों में निर्मित ना हो सके, इसलिए समाज में यह अवधारणा विकसित की गई कि हम समगोत्री हैं और हमारे बीच विवाह संबंध नहीं हो सकता है। उस वैदिक काल से गोत्र की परंपरा हमारे समाज में आज भी प्रचलित है, परंतु आज ये तथ्य प्रासंगिक नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि केवल गोत्र के आधार पर भी किसी अच्छे प्रस्ताव को या किसी अच्छे लड़के या लड़की के रिश्ते को हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान की कसौटी पर हम यदि देखें तो आपके विवाह के लिए सप्तम भाव या सातवां स्थान ही उत्तरदायी होता है। किसी भी लड़के अथवा लड़की के प्रस्ताव के संदर्भ में जब भी हमको निर्णय लेना है तो हमें उस लड़के अथवा लड़की की संपूर्ण जन्म पत्रिका का अवलोकन करना चाहिए, यानी उसके सातवें स्थान के आधार पर क्या उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा अथवा नहीं होगा। सप्तम भाव आपके विवाह और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। पंचम भाव आपके संतान पक्ष विषयक जानकारी प्रदान करता है। आपकी जन्म पत्रिका के नवग्रह आपके चरित्र के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपके आरोग्य को छठवें और आठवें स्थान से देखा जा सकता है। आपके व्यवहार या आपके नैतिक धर्म के विषय में नवां स्थान महत्वपूर्ण होता है और आपके दसम स्थान से हमें आपके कर्मों का पता चलता है। अर्थात केवल गुण मिलान के आधार पर या केवल नाड़ी दोष के आधार पर या केवल ग्रह मैत्री के आधार पर या केवल गण के आधार पर या केवल गोत्र के आधार पर किसी भी लड़के अथवा लड़की के वैवाहिक प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उस लड़के अथवा लड़की की जन्म पत्रिका के संपूर्ण पहलुओं का अवलोकन करना चाहिए, इसके उपरांत ही हमें किसी निष्कर्ष पर आना चाहिए। आपके सातवें स्थान पर ग्रहों का क्या योग निर्मित हो रहा है और सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह यदि बैठे हैं या विराजमान हैं या नहीं विराजमान है तो आपके सातवें स्थान के कारक ग्रह की स्थिति क्या है, इन पहलुओं को सूक्ष्मता से देखने के उपरांत ही आपको विवाह विषयक निर्णय लेना चाहिए। शायद तभी हम तलाक या विवाह विच्छेदन जैसी घटनाओं से बच सकेंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना रहता है
कि 32 गुण 30 गुण मिलने के बाद भी या जन्म पत्रिका मिलाए जाने के उपरांत भी हमें तलाक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। वजह यही होती है कि हम केवल गुण मिला लेते हैं, हम आने वाले प्रस्ताव के जन्म पत्रिका के विषय में बारीकी से नहीं देख पाते हैं और तलाक की घटना घटित हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना रहता है कि हमारे केवल 12 गुण ही मिले थे और हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत हुआ। 12 गुण मिलने के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होने के पीछे कारण यही है कि आपके सातवें स्थान में कोई ना कोई शुभ ग्रह का प्रभाव होगा या आपके सातवें स्थान का कारक ग्रह शुभ स्थिति में होगा, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हुआ। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं देता रहूंगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपके किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमें अपना कमेंट्स भी भेज सकते हैं। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।